जेम्स एलन कहते हैं कि आज आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, अपने थॉट्स की वजह से हैं, और आपने ही उन थॉट्स को चुना है और इनकरेज किया है जिसके वजह से आप वो बन पाए हो जो आज आप हो। ये एक ऐसा सच है जिसे आप मानने से तो इनकार कर सकते हैं, लेकिन इस सच को बदल नहीं सकते। आज जो पूरी दुनिया में सेल्फ इम्प्रूवमेंट इंडस्ट्री चल रही है, उसके लिए जेम्स एलन को पार्टली रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। आज हम उन्हीं की बुक एज अ मैन थिंकिंग की समरी देखेंगे। उन्होंने इस छोटी सी बुक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स बताए हैं, लेकिन मैंने चार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन्स फाइंड आउट किए हैं जिसे आप अपने लाइफ में आज ही अप्लाई कर सकते हो अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए। सो चलिए एक एक करके उन चार लेसन्स को समझते हैं। लेसन नंबर वन, थॉट एंड करेक्टर। जेम्स कहते हैं कि एक इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, उसका करेक्टर उसके थॉट का रिजल्ट होता है। देखो, बायोलॉजिकली तो सभी लोग सेम है, लेकिन जो चीज़ एक इंसान को दूसरों से अलग बनाता है वो है उसका करेक्टर, और करेक्टर बनता है उसके थॉट से। वो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। जैसे कोई मॉन्क है, कोई टीचर है तो कोई सेल्समैन है, किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है, कोई हमेशा खुश रहता है। ये सब उनके कैरेक्टर्स हैं जो बना है उनके थॉट्स को इनकरेज करके। इसी वजह से तो कुछ लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जबकि कुछ लोग पैसे को बुरा मानते हैं, हर मुसीबत का जड़ मानते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ें जो लगता है कि अचानक से हुआ है, वो भी किसी थॉट का ही रिजल्ट है जो सालों पहले माइंड में आना स्टार्ट हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टरी की पढ़ाई किया है, इंजीनियरिंग किया है, वो अचानक से एक्टर बन जाते हैं, मूवीज़ में आते हैं, या IAS या IPS बन जाते हैं। ये लगता तो है कि अचानक से उनका थॉट बदला है, बट इसके पीछे भी एक लंबी कहानी जरूर होती है। उनके माइंड में एक्टिंग का थॉट सालों पहले आया होगा, इवन वो दुनिया से छुप के एक्टिंग करते भी होंगे, फिर चाहे वो कॉन्शियसली करें या अनकॉन्शियसली। इसी तरह से एक इंजीनियर या डॉक्टर अचानक से IAS IPS नहीं बन जाता, सालों पहले एक थॉट उनके माइंड में जरूर आया होगा जिसे उन्होंने कंटिन्यूअसली अपने माइंड में ही इनकरेज किया होगा और उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लिया होगा, तभी वो IAS बन पाए। एक चाय बेचने वाला देश का प्राइम मिनिस्टर यूं ही नहीं बन जाता, इसके पीछे उनका कैरेक्टर है जो उनके थॉट्स की वजह से बना, क्योंकि हर चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता और ना ही सारे बस कंडक्टर मूवी स्टार बनते हैं। इसी तरह आज आप जो भी है, आपका कैरेक्टर जैसा भी है, वो आपके थॉट्स की वजह से है। आपने ही सालों पहले उस थॉट के बीच को माइंड में रोप दिया था जो आज बड़ा पेड़ बन गया और उसी के अकॉर्डिंग आपको फल मिल रहा है, फिर चाहे आपको पसंद हो या ना हो। यहाँ पे बुरी बात यह है कि आप आज के कैरेक्टर को आज नहीं बदल सकते, और अच्छी बात यह है कि आप अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हो। अगर आप आज से अपने थॉट को चेंज करने लगो तो धीरे धीरे आप वैसे ही बन जाओगे जैसा आप बनना चाहते हो। बस आपको जैसा कैरेक्टर चाहिए वैसे ही थॉट्स को अपने माइंड में इंकरेज करना है। लेसन नंबर टू, इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन सर्कमस्टांसेस। जेम्स कहते हैं कि आपका माइंड एक गार्डन की तरह है, अगर आप इसमें अच्छे यूजफुल थॉट्स के बीज नहीं रोपोगे तो ये वीड्स जैसे यूजलेस और बुरे थॉट्स से भर जाएगा और मल्टीप्लाई होने लगेगा। लोग सोचते हैं कि उनके जो हालात हैं, उनके साथ जो हो रहा है, उसमें उनका कोई हाथ नहीं है, उन परिस्थिति के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि आपके साथ जो भी हो रहा है उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि थॉट्स और कैरेक्टर एक ही है और कैरेक्टर हमेशा सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सोल्जर जब बॉर्डर पे दुश्मनों का जान लेता है तो उसकी प्रशंसा होती है, उसे मेडल मिलता है, और जब देश के अंदर कोई इंसान किसी बुरे नियत से किसी का जान लेता है तो उसे सजा मिलता है, उसे कैदी बना दिया जाता है। यहाँ पे भले ही दोनों ने किसी का जान लिया हो, बट दोनों के थॉट्स डिफरेंट थे और उनके थॉट्स कैरेक्टर को बनाता है, और उनके कैरेक्टर ने सर्कमस्टांसिस को बनाया है। जहाँ पे एक को मेडल मिल रहा है तो दूसरे को सजा। जेम्स कहते हैं कि कोई भी अच्छा आदमी स्ट्रेस या एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्राइम नहीं करता है, इसके पीछे जरूर क्रिमिनल थॉट होगा जो उसके माइंड में सालों से सीक्रेटली ग्रो कर रहा था, और जब उसे अपॉर्चुनिटी मिला वो क्रिमिनल कैरेक्टर सामने आ गया। एक्चुअली सर्कमस्टांसिस किसी के कैरेक्टर को नहीं बनाता है, ये उस छुपे हुए कैरेक्टर को सामने ले आता है। इसी तरह अगर कोई इंसान गरीबी में जी रहा है तो ये गरीबी भी उसी की वजह से है, उसका थॉट गरीबों वाला है और इस वजह से उसका कैरेक्टर भी गरीब का है, और ये कैरेक्टर ही उसके इस हालात का जिम्मेदार है। वो सर्कमस्टांसिस को तो बदलना चाहता है लेकिन वो खुद को नहीं बदलना चाहता है, और यही उसका गरीब सोच है जो उसे गरीब बनाए रखा है। अगर वो अपने थॉट्स को बदलेगा, अपने माइंड में अमीर सोच का बीज रोपेगा, तो धीरे धीरे उसका कैरेक्टर भी अमीरों जैसा होने लगेगा और वो अमीरी को अट्रैक्ट कर पाएगा, अपने सर्कमस्टांसिस को बदल पाएगा, लेकिन सबसे पहले उसे अपने थॉट्स को बदलना होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस, एक आदमी को वो नहीं मिलता है जो वो चाहता है, उसे वो मिलता है जो वो है। इसलिए अगर उसे अमीरी चाहिए तो उसे अमीरों वाला सोच डेवलप करना पड़ेगा, उसे अपना कैरेक्टर अमीरों वाला बनाना पड़ेगा, तभी वो अमीरी अट्रैक्ट कर पाएगा। और यही सबसे बड़ी वजह है कि अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग और गरीब, क्योंकि अमीरों में अमीरों वाला कैरेक्टर है जो अमीरी को अट्रैक्ट करता है, और गरीबों में गरीबों वाला कैरेक्टर है जो गरीबी को अट्रैक्ट करता है। और इसलिए सबसे पहले अपने कैरेक्टर को बदलो अपने थॉट्स की मदद से।
लेसन नंबर 3, इफेक्ट्स ऑफ थॉट ऑन हेल्थ एंड बॉडी। जेम्स कहते हैं कि बॉडी माइंड का सर्वेंट है। हमारा शरीर हमारे माइंड के थॉट्स को फॉलो करता है, फिर चाहे वो थॉट ऑटोमेटिकली आया हो या आपने खुद चूज किया हो। बुरे और नेगेटिव थॉट से बॉडी बीमार होने लगता है, जबकि अच्छे थॉट से बॉडी हेल्दी फील करता है। और जो लोग बीमारी से डरते हैं उन्हें बीमारी भी ज़्यादा होता है। आपने नोटिस किया होगा जब कुछ लोगों को फीवर आता है तो वो मेडिसिन भी नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि ये हल्का सा बुखार है, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, और सच में एक दो दिनों में वो बुखार गायब हो जाता है। वो बिना मेडिसिन के ठीक हो जाते हैं। जबकि कुछ लोगों को हल्का सा भी बुखार आता है तो वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं और पता नहीं कितने बड़े बड़े बीमारी को इमेजिन करने लगते हैं, और इसी की वजह से वो लंबे समय तक बीमार भी रहते हैं। एक सर्वे में भी ये बात डॉक्टरों ने माना है कि 50% से ज़्यादा पेशेंट जो उनके पास आते हैं वो एक्चुअली बीमार होते ही नहीं है। ये बस उनका वहम होता है कि वो बीमार है। वो बस अपने बॉडी में बीमारी ढूंढते रहते हैं और इसलिए बीमार फील करते रहते हैं। आप अपने आसपास देखोगे तो आपको बहुत सारा एग्जांपल मिल जाएगा। जैसे कुछ लोग 40 साल के होते हुए भी 50-60 साल के लगते हैं, और कुछ लोग 50-55 साल के होते हुए भी 40 साल के लगते हैं। ये बस उनके थॉट्स की वजह से, जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, चिंता करते हैं, स्ट्रेस और डिप्रेशन में ही रहते हैं। वो अपने बॉडी को वैसा ही ऑर्डर देते हैं, और माइंड के साथ साथ बॉडी भी कमज़ोर पड़ने लगता है, इम्यून कमज़ोर हो जाता है, बीमारियाँ बॉडी में इंटर करने लग जाती है। और जो लोग पॉजिटिव होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स सोचते हैं, उनका बॉडी भी उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है। वो हेल्दी फील करते हैं, हमेशा एनर्जेटिक फील करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, माइंड हेल्दी होगा तभी बॉडी हेल्दी होगा, क्योंकि बॉडी हमेशा माइंड के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। सो सबसे पहले माइंड को हेल्दी करो अपने गुड थॉट्स से, और फिर बॉडी खुद ब खुद हेल्दी हो जाएगा। ये पॉजिटिव थॉट का ही पावर था कि हेल एलरोड इतने बड़े एक्सीडेंट में 11 हड्डियां तोड़वाने के बाद भी अल्ट्रा मैराथन दौड़ गए, जबकि डॉक्टरों ने कहा था कि वो चल भी नहीं पाएंगे। और हेल एलरोड चले भी और मैराथन भी दौड़े, और एक बहुत अच्छी और पावरफुल बुक लिखी, द मिरेकल मॉर्निंग, जिसमें उन्होंने लाइफ सेवर्स टेक्निक के बारे में बताया है। मिरेकल मॉर्निंग की बुक समरी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस वीडियो को जरूर देखना। लेसन नंबर 4, सेरेनिटी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि हम सब इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। आप लाइफ में कुछ भी हासिल कर लो, कुछ भी अचीव कर लो, बट एट द एंड ऑफ द डे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पीस ऑफ माइंड। अगर आपका माइंड शांत नहीं है, विचलित है, हमेशा चिंता में डूबा रहता है, परेशान रहता है, तो आपने जो कुछ भी अचीव किया हो वो सब वेस्ट है। ये तो वही बात हो गई ना, जब तक मिला नहीं था तब तक पाने का टेंशन था, और जब मिल गया है तो बचाने का टेंशन है। अगर आपका माइंड शांत नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो फिर आपके करोड़ों कमाने का क्या फ़ायदा हुआ, इतना नेम फेम का क्या फ़ायदा हुआ। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नेम फेम और मनी बुरी चीज़ है। बुरी चीज़ है वो नेगेटिव थॉट्स जो आपके माइंड को शांत और स्टेबल नहीं रहने दे रहा, और आप अपने माइंड को शांत कर सकते हैं सेल्फ कंट्रोल की मदद से, अपने थॉट्स को कंट्रोल करके। जेम्स कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल इज स्ट्रेंथ, राइट थॉट इज मास्टरी, कॉलमनेस इज पावर, से अनटो योर हार्ट पीस बी स्टिल। सो दैट्स इट गाइज, वीडियो वैल्यूबल और अच्छी है तभी तो अब तक देख रहे हो, सो एक लाइक तो बनता है। और ये सारी बातें मैंने बुक एज अ मैन थिंकेथ बाय जेम्स एलन से बताया है। ये एक बहुत अच्छी बुक है, इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, आपको ये बुक जरूर पढ़ना चाहिए। इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर के इस बुक को ले सकते हो। और इसी तरह के वैल्यूबल वीडियोस को देखते रहने के लिए विल्सकिल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन दबा के ऑल पर जरूर क्लिक कर देना, ताकि आपको सारा अपडेट सबसे पहले मिले। और वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि उनका भी फायदा हो सके। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।